हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है फार्माकोग्नोसी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, जो फार्माकोग्नोसी है उसका यह टॉपिक जिसमें कि हम बात करेंगे, जो फार्माकोग्नोसी में मेडिसिनल प्लांट हैं उनके फैमिली के बारे में, उनके डेरिवेटिव के बारे में और कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी ढेर सारे मेडिसिनल प्लांट है, तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रहेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एलो ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड जूस ऑफ द लीव्स ऑफ, जो एलो प्लांट होता है दोस्तों, एलोवीरा होता है, वह कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि कहाँ से प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है एलो बारबाडेंसिस, रियोम प्लामेटम, रिजनिस कम्युनिस और नन ऑफ दी एबव। ठीक है, तो दोस्तों एलोवीरा होता है, जो एलो होता है वह एक तरह का सक्सीलेंट प्लांट होता है। ठीक है, एलोवीरा की हमारे भारत में सिर्फ ऐसा समझिए दोस्तों कि 500 प्लस स्पीसीज़ भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये पूरे भारतवर्ष में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा। यह एक तरह से पेरिनियल प्लांट होता है। पेरिनियल प्लांट होने का मतलब होता है दोस्तों कि यह कई वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, इसकी कई ढेर सारी स्पीसीज़ होती हैं। तो दोस्तों, ये जो एलोवेरा होता है इसके काफ़ी मेडिसिनल यूज होता है, तो इस पे हम चलेंगे दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसमें, एलोवेरा बारबाडेंसिस। एलोवेरा बारबाडेंसिस होता है, एलोवेरा लीन होता है, हाँ, बहुत तमाम तरह के दोस्तों इसमें स्पीसीज पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलो बारबाडेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एलोवेरा यानी कि एलो बिलोंग्स टू दी फैमिली ऑफ, एलो जो होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। पहला है पॉलीगुनेसी, लिलिएसी, यूफॉर्बिएसी, नन ऑफ दी एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिलिएसी। ठीक है, लिलिएसी को दूसरे शब्दों में हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, एस्फोडिलेसी। क्या बोलते हैं, एस्फोडिलेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रुबार्ब, अब यहाँ पे दोस्तों रुबार्ब के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो दोस्तों रुबार्ब होता है वह एक तरह का मेडिसिनल प्लांट होता है, वह एडिबल भी होता है और नॉन एडिबल भी पाया जाता है। तो इसके बारे में भी बताएंगे, पहले हम ऑप्शन पे चलेंगे। रुबार्ब इज ऑब्टेन फ्रॉम दी राइजोम ऑफ, रुबार्ब किस प्लांट के राइजोम से प्राप्त किया जाता है। पहला है रिजनिस कम्युनिस, एलो बारबाडेंसिस, रियोम पामेटम और नन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कि रियूम पामाइटम। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों रुबार्ब जो होता है एक तरह से फ्लेसी एडिबल स्टार्च होता है। ठीक है, इसके भी कई ढेर सारी स्पीसीज पाई जाती है। इसकी जो फैमिली होती है दोस्तों वह पॉलीगुनेसी फैमिली होती है। ओके, इस प्लांट का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी में किया जाता है। ठीक है, ओके, अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रुबार्ब बिलोंग टू दी फैमिली ऑफ, अभी जैसा कि मैंने बताया कि रुबार्ब जो है दोस्तों पॉलीगुनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ रुबार्ब इज यूज्ड, ऑप्शन है लीव्स, बार्ग, ज्यूस, राइजोम। तो रुबार्ब जो होता है दोस्तों उसका जो राइजोम होता है हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। रुबार्ब्स की जो लीव्स होती हैं उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए सलाद। ठीक है, एज ए सलाद में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मेडिसिनल यूज होता है उसके राइजोम में यूज में आता है, यानी कि जो प्लांट का राइजोम होता है हम लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुबार्ब कंटेंस, रुबार्ब में क्या पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन है एंथ्राक्विनोन, डेरिवेटिव्स, म्यूसिलेज, बार्बालिन, बार्बोलिन है और नन ऑफ दी एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथ्राक्विनोन, डेरिवेटिव्स। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
एंथ्रोक्विनोन डेरिवेटिव्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे दोस्तों, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसमें पूछा गया है कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ, जो अरंडी का तेल होता है दोस्तों वह किसके सीड से प्राप्त किया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, तो इसमें ऑप्शन है प्लांटैगो ओवाटा फॉर्स्कल। ओके, तो नेक्स्ट है रिसिनिस कम्युनिस, और तीसरा है दोस्तों ऑप्शन सी रियम पामेटम, और नेक्स्ट है नन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिसिनिस कम्युनिस। कैस्टर ऑयल अरंडी होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और ये जो है ज़्यादातर जो दोस्तों ये हमारा जो कैस्टर ऑयल है ये हमारा नेटिव प्लांट है, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज, अफ्रीका के जो ट्रॉपिकल एरियाज थे और एशिया के जो ट्रॉपिकल एरियाज उनमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। जो कैस्टर ऑयल होता है दोस्तों उसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वह डायरेक्टली स्किन पे किया जाता है, ठीक है। और जो इसका और यूज़ है दोस्तों वो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के तौर पर कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल मॉइस्चराइजिंग एजेंट, ठीक है। और भी कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम लोग कैस्टर ऑयल में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका जो कैस्टर ऑयल है दोस्तों वो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसिनिस कम्युनिस। नेक्स्ट है दोस्तों कैस्टर ऑयल बिलोंग्स टू दी फैमिली ऑफ, यहाँ पे कैस्टर ऑयल की अब फैमिली पूछी जा रही है, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन है पॉलीगुनेसी लिलियसी यूफॉर्बियसी और प्लांटा जिनेसी। तो दो हमारा जो दोस्तों कैस्टर ऑयल होता है वह यूफॉर्बियसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल कंटेंट्स, अब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कैस्टर ऑयल में क्या पाया जाता है। पहला है रिसिनोलिक एसिड, गैलिक और सिनेमिक एसिड, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो जैसा कि इसके बॉटनिकल नेम से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, जो कि है रिसिनोलिक एसिड। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पैगुला, ठीक है, इस पैगुला भी एक तरह का मेडिसिनल प्लांट होता है। ओके, अब इसमें हम लोग चलेंगे बात करेंगे इस पैगुला पाया कहाँ से, मतलब प्राप्त कहाँ से किया जाता है। ओके, तो इसमें राइट इसका दोस्तों ऑप्शन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है, जिसमें कि दिया गया है प्लांटैगो ओवाटा फॉर्स्कल, ठीक है। इस पैगुला कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ओके, प्लांटैगो ओवाटा फॉर्स्कल। नेक्स्ट है दोस्तों रिसिनिस कम्युनिस रियम पामेटम नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्लांटैगो ओवाटा फॉर्स्कल। ओके, तो इस पैगुला दोस्तों आपने शायद देखा होगा लेकिन आपको याद नहीं आता, ठीक है। ये इसका जो कॉमन नेम वैसे जो होते हैं वो इसको इंडियन वीट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंडियन वीट के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम लोग ब्लॉन्ड साइलम के नाम से भी जानते हैं, इस पैगोल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर ईस्टर्न और साउथ एशिया और नॉर्थ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। ओके, और इसका जो मेन सोर्स होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने इसको बताया कि अभी इसको जो है सीलियम के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका जो स्पैगुला प्लांट होता है दोस्तों इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर्स पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मल्टीग्रेन में भी इसका जो मल्टीग्रेन वीट होता है, आटे होते हैं दोस्तों, इसमें जो है अगर आप मल्टीग्रेन वीट लोगे तो उसमें जो है इस पैगुला के भी आपको सीड का आटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी जो दोस्तों फैमिली होती है वह होता है प्लांटेजिनेसी फैमिली, और जो किंगडम होता है वह होता है प्लांटी। ओके, समझ गए दोस्तों। इसके अगर यूज़ के बारे में मैं बताना चाहूँ दोस्तों कि इसका यूज़ क्या होता है, तो इसको हम लैक्सेटिव्स के तौर पर यूज करते हैं। मैंने अभी बताया दोस्तों लैक्सेटिव्स क्या होते हैं, जो कंस्टिपेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी जो कंस्टिपेशन को कम करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इनसॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो दोस्तों हमारा जो स्टूल होता है यानी जो फीकल मैटर होता है उसको सॉफ्ट करते हैं, और जो बाउल मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका जो यूज़ होता है वह ज़्यादातर लैक्सेटिव्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, स्पैगुला बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, अभी मैंने बताया
स्पैगुला प्लांटाजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको ऑप्शन हो जाएगा 11वें का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ स्पैगुला इज यूज्ड, स्पैगुला का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है सीड, राइजोम, लीव्स, फ्रूट। तो स्पैगुला का दोस्तों हम लोग सीड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्पैगुला के बारे में दोस्तों मैंने काफ़ी बताया, मैं दोस्तों हर एक प्लांट के बारे में मैं इसीलिए डिस्कस किए जा रहा हूँ कि आप लोग को जो है कहीं भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है सेना, ठीक है। सेना कंटेंस, सेना में क्या पाया जाता है। तो सेना दोस्तों एक तरह का ये भी मेडिसिनल प्लांट होता है। इसके कई स्पीसीज होती हैं, लाइक जैसे सेना अलेक्जेंड्रीना, ठीक है। सेना अलेक्जेंड्रीना एक तरह का स्पीसीज है, इसको भी हम लोग लेग्जेटिव्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल जो है कॉन्स्टिपेशन में भी किया जाता है, ठीक है, ओके। सेना का जो मेन वो होता है दोस्तों, मेन पार्ट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, वो उसका जो लीप्स होता है हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन में फिलहाल पूछा गया है कि सेना में क्या पाया जाता है। ऑप्शन है सेनोसाइड ए, बी और सी। तो सेनोसाइड ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है और सेनोसाइड सी भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे पूछा गया है सेना बिलोंग्स टू दी फैमिली ऑफ, ठीक है, यहाँ पे सेना किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो सेना जो है हमारा पहला ऑप्शन है लेग्यूमिनोसी, यूफॉर्बियसी, प्लांटाजिनेसी, पॉलीगोनेसी। तो सेना हमारा सेना लिप्स जो होता है वो हमारा लेग्यूमिनेसी कुल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया दोस्तों सेना में जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि सेनोसाइट्स ए होते हैं, सेनोसाइट्स बी होते हैं और सेनोसाइट्स सी होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इरिटेट दी लाइनिंग ऑफ दी बाउल, मतलब कि जो बाउल मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको ये कंट्रोल करते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लेग्जेटिव्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ओके। और अगर दोस्तों सेनासाइड के बारे में अगर हम अगर इसके यूज के बारे में करें दोस्तों, तो इसके यूज जो है दोस्तों वो वेट लॉस में भी किया जाता है, बाउल सिंड्रोम में भी किया जाता है, हेमराइड्स में किया जाता है, ठीक है। बाकी और अदर कंडीशंस होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन में भी बताया था, ठीक है। और जो सेना लीव्स होता है दोस्तों वो FDA अप्रूव्ड होता है, ठीक है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये अप्रूव्ड ड्रग है। और इसको ज़्यादातर दोस्तों हम लोग बेड टाइम में लेते हैं, इसको हम स्टमक, डायरिया और तमाम चीज़ें हैं उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग दोस्तों मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ उसके प्रॉपर्टीज़, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उसके यूज के बारे में भी बराबर बात कर रहे हैं। तो इनसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे, जिसमें है कि डिजिटेलिस ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है डिजिटेलिस ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड सीड्स ऑफ। पहला ऑप्शन है कैसिया अंगस्टिफोलिया, डिजिटेलिस परप्यूरिया, टर्मिनेलिया अर्जुना और नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डिजिटेलिस परप्यूरिया। अब हम डिजिटेलिस के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना चाहते हैं। जो डिजिटेलिस होता है दोस्तों वह एक तरह से हमारे प्लांट होता है, मेडिसिनल प्लांट होता है। इसमें काफ़ी पिंक कलर के और बैगनी कलर के दोस्तों फ्लावरिंग होते हैं। इसकी करीब हमारे भारत में 20 स्पीसीज पाई जाती हैं और यह पेरिनियल प्लांट होता है और सर्ब की इसकी कुछ स्पीसीज होती हैं जो सर्ब की कैटेगरी में आती हैं और बाइनियल भी होता है, ठीक है। इसको ज़्यादातर फॉक्स ग्लोब्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। किसको दोस्तों हम बात कर रहे हैं डिजिटेलिस का, जिसका हम लोग यूज़ जो करते हैं वो कार्डियोटॉनिक्स के तौर पे करते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादातर हम लोग फॉक्स ग्लव्स के नाम से जानते हैं। यह हमारा यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका का नेटिव प्लांट है, ओके। और इसके अगर हम लोग दोस्तों यूज़ के बारे में अगर बात करें
तो अभी हमने बताया कि इसका जो है ये हार्ट में यानी कार्डियोटॉनिक्स के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो हार्ट है उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी एफिकेसी को प्रमोट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो हार्ट है, हार्ट का रेट है, उसके रिदम को भी यह काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हमने बताया डिजिटलिस के बारे में। अब इसमें पूछा गया है एमंग द फॉलोइंग विच इज यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक्स। जैसा कि अभी मैंने बताया कार्डियोटॉनिक्स में हम लोग कार्डियोटॉनिक्स के तौर पे हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अर्जुना दिया गया है ऑप्शन में, सेना दिया गया है, और रुबार्ब है, और सिनामोन दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा अर्जुना। ओके, अर्जुना क्या होता है दोस्तों, अर्जुना एक प्लांट होता है जिसका जो बार्क होता है यानी कि अर्जुना का, अर्जुन का जो छाल होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम अभी बताएंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अर्जुना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि अर्जुना किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो अर्जुना दोस्तों बता दें कि इसका जो बॉटनिकल नाम होता है अर्जुना का, अर्जुना ट्री का, वह होता है टर्मिनेलिया अर्जुना। ठीक है, यह टर्मिनेलिया जीनस से बिलोंग करता है। ठीक है, अर्जुना या फिर अर्जुन की ट्री इसको बोलते हैं। इसका जो फैमिली होता है दोस्तों वो होता है कम्ब्रिटेसी। अब यहाँ पे देखिए जो फैमिली है उसके बारे में पूछा गया है जिसमें तमाम ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कम्ब्रिटेसी। ठीक है, कम्ब्रिटेसी इसका फैमिली हो गया। ठीक है, और हम इसके बारे में बात करें तो दोस्तों अर्जुन की जो छाल होती है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके हम थोड़ा सा दोस्तों इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे इसके यूज के बारे में। ठीक है, इसका जो यूज होता है वह होता है दोस्तों कार्डियोटॉनिक्स के तौर पे, हार्ट फेलियर में, इस्केमिक हार्ट डिजीज में, कार्डियोपैथी में इसका यूज होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में इसका यूज होता है, यानी कि जो नर्व्स होती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस वो डिजीज होता है जिसमें हमारी जो नर्व्स होती हैं वो नैरो होती जाती हैं। ठीक है, यानी नैरो होती जाती हैं, उसमें जो है फैट का जमा हो जाता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं दोस्तों मायोकार्डियम न्यूरोसिस में। ओके, और तमाम जो डिजीज़ हैं लाइक एनीमिया, वेनरल एंड वायरल डिजीज़ में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसका जो है फैमिली हो गया दोस्तों कम्ब्रिटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 18वें पे चलते हैं। अब इसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, मैंने अभी अभी बताया कि इसका छाल यूज किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि बार्क दिया गया है। अब इसमें अर्जुना में पाया क्या जाता है, ठीक है, तो अर्जुना में क्या पाया जाता है, ऑप्शन है टैनिंस पाया जाता है, ट्राइएट्रोपिनोइड सेपोनिंस पाया जाता है, कि अर्जुनिक एसिड पाया जाता है, कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है अर्जुनिक एसिड। ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कार्डामोम बिलोंग्स टू दी फैमिली। अब यहाँ पे दोस्तों कार्डामोम के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सभी मेडिसिनल ड्रग के तौर पे इनका यूज होता है, तो अब यहाँ पे कार्डामोम पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन है जिंजीब्रेसी, अम्बिलीफेरी, कम्ब्रिटेसी, पिपरेसी। ठीक है, तो हम बता दें दोस्तों जो इलायची होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है इलेटेरिया कार्डामोमम। ठीक है, यह जो प्लांट होता है यह हर्बिसियस होता है, पेरिनियल होता है, और जिंजीब्रेसी फैमिली का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंजीब्रेसी। ठीक है, यह हमारा जो प्लांट है दोस्तों वह साउदर्न इंडिया का नेटिव प्लांट है, यानी कि ये हमारे जो साउथ के जो हिस्से हैं उनमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। ओके, कार्डामोम के बारे में था, कार्डामोम का भी दोस्तों काफ़ी कुछ यूज है, तो उसके बारे में भी हम जो है बात करेंगे। तो दोस्तों जो कार्डामोम होता है वह जो है फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में भी फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है कार्डामोमम, और जो डाइजेशन से रिलेटेड संबंधित यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो समस्याएं होती हैं
उनमें भी यह बहुत ही कारगर होता है, जैसे कि लाइक इंटेस्टाइनल स्पाम, ठीक है, यानी कि अगर पेट में दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन टाइप का है, और ये भी IBS में इस्तेमाल किया जाता है। IBS क्या होता है दोस्तों? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि बाउल सिंड्रोम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक है अगर, तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। कॉन्स्टिपेशन मैंने बता ही दिया, लीवर में और गाल ब्लैडर से संबंधित कोई समस्या है और भूख नहीं लगती है, तो आप लोग जो है इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और इसका एक इस्तेमाल और होता है, ये होता है दोस्तों हर्ट बर्न, यानी कि हर्ट बर्न में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसका दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था फैमिली के बारे में, तो कार्डमोम की जो फैमिली होती है वो जिंजर फैमिली की होती है, यानी जिंजिबेरेसी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग विच इज यूज्ड एज लैक्सेटिव्स के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लैक्सेटिव्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम ऑप्शन पे चलेंगे पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पहला दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है? कोरिएंडर, दूसरा है फनल, डिजिटलिस, स्पैगुला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पैगुला। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैक्सेटिव के बारे में दोस्तों। तो लैक्सेटिव आर मतलब एक टाइप ऑफ मेडिसिन होता है दैट कैन बी ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, जो लैक्सेटिव्स होता है वह हमारे बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी कि जो स्टूल होता है उसको फैसिलिटेट करता है। जो फीकल मैटर होता है या जो फीकल मैटर होता है उसको बाहर करने में दोस्तों जो आदमी को परेशानी आती है, उस बाउल मूवमेंट को वो सॉफ्ट करता है। ठीक है, ताकि हमारा जो फीकल मैटर का एक्सक्रीशन है वह आसानी से हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वह डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो लैक्सेटिव्स परगेटिव्स पे मैं दोस्तों एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं जो है हमारे बॉल मूवमेंट को, जो स्टूल एक्सक्रीशन होता है ये उसमें हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनल, फनल ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ द प्लांट। फनल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फनल का मतलब दोस्तों सौंफ होता है। ठीक है, ऑप्शन है कोरिएंडरम सटाइवम, फोनिकुलम वुलगेरी, टर्मिनेलिया अर्जुना, नान ऑफ दी एवर। इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोनिकुलम वुलगेरी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर मीन्स काली मिर्च, बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। ब्लैक पीपर के भी अपने आप में एक काफ़ी लाभदारी गुण होते हैं, तो इसमें वीडियो दोस्तों लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, तो हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी बात करते हैं। ब्लैक पीपर किस फैमिली से बिलोंग करती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पिपरेसी, अम्बलीफेरी, कम्ब्रिटेसी, स्कॉर्फलेरियेसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिपरेसी। नेक्स्ट है दोस्तों एमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एज यूज्ड एज कार्मिनेटिव। ठीक है, तो इसमें कार्मेटिक के तौर पे हम लोग किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? ऑप्शन है फनल, एसाफोटिडा, सेना और सिनामोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेना। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कार्मिनेटिव्स के तौर पे हम लोग किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेना का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी जो फनल होता है, एसाफोटिडा होता है, सिनामोन होता है, इनका हम कार्मिनेटिव्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा दोस्तों फनल हो गया और ऐसा फ्यूटीडा हो गया, हाँ, और सिनामोन हो गया, तो कार्मिनेटिव्स के बारे में बता दें दोस्तों, कार्मिनेटिव्स एक तरह का हर्ब होता है, यानी एक तरह का प्लांट होता है। ठीक है, जो कि GI ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है। GI रेगुलेट मतलब कि दोस्तों लैक्सेटिव्स, परगेटिव्स, कार्मिनेटिव्स, ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर एसिड वगैरह मतलब आपको अगर गैस हो रहा है पेट में, तो उसमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्सेटिव्स, परगेटिव्स, कार्मिनेटिव्स में दोस्तों मैं थ्योरिकल लेके आऊँगा आपको, कभी भी अपने लाइफ में अगर वो वीडियो आपने देखा तो कभी भी आपको इन तीनों के बारे में कभी भी कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों तुलसी, तुलसी आप सब लोग जानते हैं ऑस्मम सैंक्टम से प्राप्त किया जाता है, यानी तुलसी का जो बॉटनिकल नेम होता है वह होता है ऑस्मम सैंक्टम, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तुलसी को मेडिसिनल प्लांट का एक बहुत ही अच्छा प्लांट माना गया है, जिसका इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है, एंटीपायरेटिक में, एनाल्जेसिक के तौर पर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
और नेक्स्ट है दोस्तों एंटीसेप्टिक के तौर पे भी तुलसी प्लांट का यूज किया जाता है, काफ़ी मेडिसिनल यूज है दोस्तों तुलसी प्लांट का। नेक्स्ट है दोस्तों तुलसी बिलोंग्स टू दी फैमिली, तुलसी किस फैमिली से बिलोंग करती है, ऑप्शन है कैंथेसी, लेबिएटी, ठीक है, एपोसाइनेंसी या हाइपोक्रिएसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबिएसी फैमिली का है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लेबिएट। नेक्स्ट है दोस्तों एमंग द फॉलोइंग विच इज यूज एज एंटी टिश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एंटी टिश्यूज की तौर पे, ओके। पहला है वसाका, एरगॉट, सिनामोन और क्लोव। तो एंटी टिश्यूज क्या होते हैं दोस्तों, एंटी टिश्यूज वो होते हैं जो कि एंटी टिश्यूज कह सकते हैं दोस्तों, ऐसा मेडिसिन होते हैं जो हमारे जो कफिंग है, ठीक है, जो कफ है उसको ट्रीट करते हैं, यानी कि एक तरह से वो जो कफ है उसको सप्रेस करते हैं, ठीक है। इनको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या करते हैं दोस्तों कि ये इनहिबिट करते हैं, किसको इनहिबिट करते हैं, ये हमारे जो ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड नर्व्स होती हैं जो कि डिस्टर्ब करती हैं और जिससे कि जो है कफ रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। तो वो इसको जो है कंट्रोल करती हैं, यानी एंटी टिश्यूज वो ड्रग्स होते हैं जो कफ में ट्रीट किया जाता है, ऐसा समझिए आप। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वसाका, वसाका भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है जो जिसका इस्तेमाल एंटी टिश्यूज की तौर पे किया जाता है। एंटी टिश्यूज क्या होते हैं, वो जो कफ सप्रेसेंट्स के नाम से इसको जाना जाता है। आप लोग एंटी टिश्यूज आए अगर एग्जाम में तो समझ लीजिएगा कि ये कफ को सप्रेस करता है, ठीक है, यानी कफ को ये ट्रीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मेरिक, हल्दी के बारे में पूछा जा रहा है, तो टर्मेरिक इज यूज एज, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक। टर्मेरिक यानी हल्दी का हम लोग इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के तौर पे करते हैं, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों तुलसी बिलोंग्स टू द फैमिली, अभी मैंने ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो लेबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है तुलसी। अब यहाँ पे दोस्तों आंवला में कौन से विटामिन पाया जाता है, तो जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, और जो सिट्रस फूड होते हैं उनमें भी दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अभी हम ये हमारा पार्ट वन था, इसका हम पार्ट टू लाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी हम फार्माक्रोग्नेसी के अलावा दूसरा टॉपिक भी ले आएंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके आप सभी को MCQ जो क्वेश्चन हैं दोस्तों उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आप सभी के सामने लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।